एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर ने इतिहास रच दिया है। पहले इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया और इसके बाद अब फिल्म ने विदेश में भी अपना परचम लहराया है। आपको बता दें कि इस फिल्म ने 15 से भी ज़्यादा अवार्ड अपने नाम किए हुए। ये अवार्ड कोई छोटे मोटे अवार्ड्स नहीं थे, ये बेहद बड़े बड़े प्रतिष्ठित अवार्ड थे। लेकिन अब फिल्म के गाने नाटो नाटो ने ऑस्कर 2023 का खिताब जीत लिया है और इस खबर के आने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। सोशल मीडिया पर लगातार खबरें वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं। यूजर्स का क्या क्या कहना है थोड़ा सा आपको वो बता देते हैं। यूजर्स का कहना है कि बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाने से लेकर कई पुरस्कार जीतने पर आरआरआर को सचमुच बहुत ज़्यादा बधाई। इस तरह की कई सारी बधाई के कमेंट्स जो हैं लगातार इस फिल्म को, इस गाने को मिल रहे हैं। लेकिन आरआरआर ने जो अवार्ड जीता है, ऑस्कर जो अपने नाम किया है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट पूरे भारत के लिए है। आपको ये भी बता दें कि ऑस्कर के प्रेजेंटर के रूप में दीपिका पादुकोण ने अवार्ड दिया और ये काफ़ी ज़्यादा खुशी का वक्त उनके लिए भी था और इस वक्त दीपिका पादुकोण काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी नज़र आए। एक बार फिर से आपको बता दें कि ऑस्कर की इस कैटेगरी में आरआरआर फिल्म के गाने नाटो नाटो को जगह मिली है। ऑस्कर 2023 को नाटो नाटो ने अपने नाम किया है।